ऑन होगी लाइट जल्दी, ठीक है जी। तो सर आपको इस लोकेशन के बारे में कैसा लग रहा है? अच्छा, लोकेशन बहुत अच्छी है जी। बहुत अच्छा, यहाँ पे छाया भी है, कोई ज्यादा धूप नहीं। और सर 100 मीटर दूर ही रोड है एक्चुअल में। हाँ। तो इतनी टेंशन नहीं है कि हम बिल्कुल आइसोलेशन भी नहीं है। हाँ। ठीक है, और ऊपर चढ़ के दिखाना तुझे हॉर्स पावर, यहाँ से चढ़ के दिखाएगी तू? अब चढ़ के दिखा दे, आ जा तू। अरे ये छलांग मारी तूने। तो ये है माहौल, ये दो भाई साहब कितने क्यूट तरीके से लेटे हुए पूरे। गुड मॉर्निंग, आज मैं हाथू पीक में हूँ। किसी ने देखा नहीं हो तो मेरा लास्ट ब्लॉग, पिछला ब्लॉग जाके देख ले। हाथू पीक, हाथू माता के मंदिर गया था मैं। तो मेरे तीन ओवरलैंडर फ्रेंड्स के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ, एक हमारे देवेंद्र जी और एक गुलाटी जी और एक टूर साहब। अब देखते हैं कहाँ निकलेंगे भाई, वक्त का तो कुछ पता नहीं। बाकी अब देखो माहौल बाहर का दिखाता हूँ मैं। 0 degree टेम्परेचर नहीं, रात को 2 या 3 degree टेम्परेचर गया था। और ये गाड़ी के अंदर का माहौल भाई ने ना, देखो ये स्लीपिंग बैग भी निकाल लिया था रात को, उसके ऊपर कंबल, उसके बाद दूसरा कंबल। और मे का टाइम है भाई, और आपको माहौल दिखाता हूँ बाहर का। ये देखो राजू क्या कर रहा है। हमने चारों गाड़ी चारों तरफ लगा दी थी और बीच में टेंट लगा दिया था गुलाटी जी का। देवेंद्र जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? देखा बाकी ये देखिए कौवा जा रहा है, कौवा। कहाँ चल रहे हैं ये नहीं पता सर, मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह हैं, जो सफर में साथ ना दे उसे क्या कहते हैं, बाजीगर। मुंह तो धो लेता है। ओके डार्लिंग, तुम तो यार क्यूट हो, तुम्हें नाक लगा दो, टचिंग कर दो बस, नाक हल्की ठंडी ठंडी नाक तुम्हारी बहुत है। 0 degree माहौल देखो, अब चारों तरफ सफाई कर दी है। मेरा नाम सत्य सिंगल है, मुझे ट्रैवल का बहुत शौक है। अपने शौक को पूरा करने के लिए मैं होंडा सिटी में ट्रैवल करता हूं और इसी में रहता हूं, इसी में सोता हूं और यही मेरा बेडरूम है और यही मेरा ट्रैवलिंग का साधन है। अपने ट्रैवल के शौक के टाइम पे ना मैं होम स्टे लेता हूँ, ना ही मैं कोई होटल लेता हूँ। आइए तो देखिए मेरे साथ पूरा देश, अपना पूरा इंडिया मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग के थ्रू। तो भाई मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल, थैंक यू। तो भाई ये माहौल है, यहाँ से सुबह सुबह अब निकल गए हैं भाई। हाथू पीक तो आपको आना चाहिए। जब आप विंटर्स में आओ तो यहाँ पे पूरे में नो स्पोर्ट्स होते हैं। पीछे अपनी गाड़ियाँ आ रही हैं देखिए, और ये यहाँ पे धूप कितनी बढ़िया है। मैं पिछली बार इनको कह रहा था वहाँ घोड़े खड़े हैं यार, यहाँ पे कटते हैं, बट ये लोग माने नहीं। ये टूर साहब भी अपनी चलाई है। ये लोकेशन मेरी वन ऑफ द फेवरेट लोकेशन है सामने। तो भाई लोगों अब यहाँ से हम निकल गए हैं कीर्तन वैली की तरफ निकलेंगे, बट रास्ते में जलोरी पास पड़ेगा। तो जलोरी पास में रुकेंगे, वहाँ पे 3 ट्रैक हैं, एक रघुपुर फोर्ट का, एक सिलोस्कर लेक का, तीसरा 360 degree पॉइंट का। तो तीनों ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, बट आज रात जलोरी पास के आसपास कहीं रुकेंगे और आपको नज़ारे दिखाते हैं। अरे रास्ता देखो कितना खूबसूरत है, अरे गाड़ियाँ कितनी तेज जा रही हैं भाई। चलो आपको आगे देखो। भाई आपको एवरेज दिखाऊं, ये देखो 2.8 किलोमीटर चली है और 63 की एवरेज दे रही है। काश ऐसा भी होता कि 64.8 की एवरेज दे रही है गाड़ी, ऐसा भी होता, काश ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम ढलान लगातार ढलान है और गाड़ी धीरे धीरे अपने आप जा रही है। और तो डी में लगी हुई है, ऐसा नहीं है भाई, डी में लगी हुई है। चल चेरी खरीद लिया, अब चेरी को धोया जा रहा है यहीं पे, फ्रेश चेरी मिली है नीचे से, यहीं से कट के तोड़ के लाए ये लोग। देखो ये रहा चेरी के पेड़। ओए होए लग जाओ आ लियो, हां
अब आपको मैं चेरी का पेड़ दिखाता हूँ, ये है नीचे। ये देखिए जी, ये है चेरी का पेड़। ये ज़्यादा ढक देते हैं जिससे चिड़िया ना खाए। ये देखिए, ये रही चेरी। आपको फ्रेश चेरी खाते हैं। और ये फ्रेश चेरी यहाँ से आएंगे। भाई 2800 फिट के हाइट से आ गए, 11000 लगभग 12000 फिट को छोड़ के 2800 फिट पे आ गए। गर्मी अपनी चरम सीमा में है और अब हम रिवर साइड पे आ गए। यार कौन सी रिवर है भाई? सतलज रिवर है भाई। तो भाई देखो, हम सब लोग नहा धो के गुड बॉय बन गए हैं। और नहा किधर रहे हैं वो दिखाता हूँ, मैं तो रह चुका हूँ, दिखाता हूँ। टूर साहब क्या कर रहे हो? रोड साइड पे देखो सर, तीनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक चौथी गाड़ी अपनी ये है और ये दोनों भाई तो नहा चुके हैं। वाह सर, जन्नत मिल गई ना। मजा आ गया सर। एक बहुत बढ़िया लोकेशन दिखी है, ये जलोरी पास जाने के रास्ते में, यहाँ से नीचे उतरेंगे, यहाँ पे चारों गाड़ियाँ लग जाएंगी नदी किनारे, मज़ा आएगा भाई। चलो देखते हैं। ओए होए, बहुत ही बढ़िया है। तो लगातार हाइट अटेन हो रही है जलोरी पास के लिए और नज़ारे खूबसूरत होते जा रहे हैं। ऊपर हवा चल रही है तेज़ से और देखो आप पेड़ आप खुद ही देख रहे होंगे कितनी तेज़ी से लहरा रहे हैं हवा में। भाई बहुत छोटी रोड है यहाँ पे, रोड अच्छी है, बहुत छोटी रोड है। जब उधर से ट्रैफिक आता है कभी कभी तो हमें बड़ी दिक्कत होती है पास देने के लिए। भाई बहुत संभल के चलाना है, हार्डकोर ड्राइवर चाहिए, अंडरस्टैंड लाइक मी। भाई क्या खूबसूरत नज़ारे देखो, ब्यूटीफुल यार। हमेशा मैं बोलता हूँ रोड अच्छी हो तो कॉम्प्लीमेंट मिलती है यार नज़ारों का। तो भाई साहब देखो कितनी सुंदर जगह पे आया हूँ मैं। ओहो वाह, देख रहे हो ठाकुर भाई, मैंने लोकेशन ढूंढ ली है, आज तुम्हारा भाई यहीं रुकेगा। ओहो यहाँ से एनालाइज करते हैं भाई। ओ क्या लोकेशन है ये, देखो लोकेशन, यहाँ पे करेंगे हम कैंपिंग। भाई अपनी गाड़ी तो आ गई है, अपनी होंडा सिटी, ये तो हर जगह पहुंच जाती है। क्या जन्नत है यार, क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है। मजा आ गया, आ जाओ मैं और मेरी तन्हाई। सर जन्नत में रुकेंगे आज, आज म्यू कूदेगी यहाँ पे, आज म्यू को खुला छोड़ देना कूदेगी। और ऐसे ग्रास कहाँ मिलेगी यार, और ये पेड़ देखो, अभी गाड़ियां लगवाते हैं बढ़िया सी, इधर से ले लो आप। सर कैंपिंग करो तो जन्नत में करो, ऐसे थोड़ी ना डर डर के करो, चार जने। अच्छी जगह तो सुंदर है, थोड़ा वो लग रहा था यार वैली व्यू होता है। ओहो तो भाई ये तो कैंपिंग करते लोग यहाँ पे, कैंपिंग खेल। हमने मियाँ को छोड़ दिया है, अभी डिसीजन ये हो रहा है कि इनको इस लोनली प्लेनेट में रुकना है या भीड़ वाले एरिया में रुकना है। अब वो डिसीजन लेंगे हमारे भाई, वो जा रहे हैं देखने के लिए। आजा बढ़िया मेरे पता ही आप गाँधी आई पहचान गई तू, सही आदमी को पहचानती है अब तू, मेरे को पहचानने लग गई। चल फिर जाता कूद के आता खेली, चलो तुझे खिलाता हूँ मैं, टॉय देता हूँ तुझे, ये लो लो। ओके हाँ
अब तुझे ढूंढना है, ढूंढ ढूंढ ले भाई। सर नदी के किनारे में होगी गर्मी, नदी मतलब हाइट कम, करेक्ट? बिल्कुल सही बात है। देखो लॉजिक आप समझो, हम किस लिए आए हैं यहाँ पे, हम चार गाड़ियाँ आए तब भी हम घबरा रहे हैं तो फायदा। पेड़ बहुत बढ़िया सर, ये वाला ये होगी सर 40 फीट, 60 फीट? ओ भाई साहब ये तो 80 फीट है, और भी ज्यादा हो तो कह नहीं सकता। वाह सर, एक बड़ी सिंपल सी बात, जो 8 मंजिला मकान होगा हाँ ये उससे तो बड़ा ही है। तो ये भाई साहब कह रहे हैं 80 फीट का पेड़ है ये, इतना लंबा पेड़ तो मैंने भी नहीं देखा, 80 से 100 फीट ही है भाई साहब। ये देखो ना आप, तरह देखो इसका, मैं तो वहाँ चूहा सा लगूंगा भाई। आज हमारी कैंपिंग लोकेशन यही है 7 बजे तक की। मैं झूठ नहीं बोल पा रहा। बाकी 7 बजे के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्लेनेट लोनली ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 बजे तक पिकनिक करेंगे, और 7 बजे के बाद आगे जलोरी पास की कोई कार पार्किंग वहाँ पर जाके रुकेंगे। बट यार 7 बजे के बाद वैसे भी सोने चले जाते, क्या दिक्कत है, सोने उधर चले जाएंगे। तो ये है माहौल, ये दो भाई साहब कितने क्यूट तरीके से लेटे हुए, पूरे पूरे घास का मजा ले रहे हैं। और इनकी जो बिटिया है ये देखें, कहाँ है भाई गुड़िया तू, अरे तू यहाँ बैठी है और राजू के साथ यहाँ बैठी है, वाह यार। तो मनीष ऑन हो गई लाइट जल्दी, ठीक है जी। तो सर आपको इस लोकेशन के बारे में कैसा लग रहा है? अच्छा, लोकेशन बहुत अच्छी है जी। हाँ बहुत अच्छा, यहाँ पे छाया भी है, कोई ज़्यादा धूप नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, और कोई आदमी नजर नहीं आ रहा, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला यहाँ पर नहीं। और सर 100 मीटर दूर ही रोड है एक्चुअली। हाँ तो इतनी टेंशन नहीं है कि हम बिल्कुल आइसोलेशन भी नहीं है, ठीक हाँ। है, और डिस्टर्बेंस नहीं है क्योंकि मेन रोड से ही दूर है, दूर है और गाँव की तरफ रोड जाती है। बिल्कुल तो गाँव से इक्का दुक्का आता हुआ अंदर भी दिख रहा है हमें, भी जैसे वो गया गाँव से ही आ रहा था, गाँव से आ रहा था। और म्यूर भी कितने खुश होकर बैठी हुए हैं, है ना। तो और घास भी है, सबसे बड़ी घास है, मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी उड़ रही है, इधर उड़ रही है, तो गाड़ियाँ कितनी खराब हो गई। और यहाँ पे कोई ट्रैफिक का शोर नहीं आ रहा हमारे पास, कुछ करेक्ट करेक्ट कोई ट्रैफिक नहीं। चलो आपको पेड़ दिखाते हैं हम, मैं तू चलेगी चलो आपको मियो के साथ घुमा, वॉक विद मियो टू द ट्री, चलो आ जा तुम, आ गए चल मियो, मियो इधर देख, ऊपर चढ़ के दिखाना तुझे हॉर्स पावर, यहाँ से चढ़ के दिखाएगी तू, अब कोई चढ़ के दिखा दे यार, आ जा। अरे ये छलांग मारी तूने, फिटकी सी है, अब उस पर चढ़ना है तुझे, चल पेड़ पे आ जा। तो भाई देखो दूर से दिखाओ कितना लंबा पेड़ है ये, 100 फीट लंबा पेड़, मैं और नहीं, वो देखो अब हम दिखाएंगे म्यू की हॉर्स पावर। हाँ तो अब देखो कैसे म्यू जाती है, पापा जब बुलाएंगे म्यू कैसे भक्ति हो जाएगी। ये सारे हर्डल्स पार करेगी, देखो पहाड़ भी देखेगी, समझदारी से करेगी, देखो ओए न्यू आ जाओ ऊपर, न्यू न्यू तो भाई कैसे पहुंच गए देखो, हम न्यू मेरे पास, आप न्यू ले आएगी, न्यू आएगी, न्यू देख, एक वादा निभाया तूने, दोस्ती करी अब, म्यू आ आ जा, म्यू आ, म्यू पापा ने बोल दिया आ जा, चलिया नहीं आएगी म्यू कह रही बहुत बेकूफ बना रहे हो मेरा, ट्रीट के बिना नहीं आएगी वो, ट्रीट के बिना नहीं आएगी, कोई नहीं बेटा देख लिया तुझे, देख लिया मैंने तू आई नहीं ना, अब देख ले तुझे लेता उसको, तेरे मतलब की जी देख तेरी ये देख रही आ गई मेरी गुड़िया, मेरा बच्चा,
अरे आपको बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, ये देखो जाओ पापा को ले जाओ, तो ये टीडी है तो ये बिल्कुल बना चुका हूं। तो भाई ये ऐसे प्यार मोहब्बत वाले खेल चलते रहते हैं लाइफ में, ये लड़की को हम इसका मजा लेते रहते हैं और ये खूब देखो कितना देखो कूली देखती रहती है हमें और बिल्कुल हाइट है करीब 9000 फिट में भी है बट आराम से हमें परेशान भी नहीं कर रही। तो ऐसे भी ओवरलैंडर होते हैं, 3 साल की ओवरलैंडर है ये, 3 साल की, समझ रहे हो, न्यू यू आर डूइंग गुड। चलो बाकी यार पेड़ बोल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपना छोटू निकल गया है और आज मैं तुम्हारा घर से मैं लेकर आया था 2 दिन पहले से बट ये बच गई सब्जी तो इसको सॉर्टे कर रहे हैं। मेरा दिल थैंक मेरा दिल संभाल के रखा है टूर साहब ने इतनी देर से, बस ये वीडियो के लिए रखा था बस उसको फेंकने जा रहा था मैं। ओके तो ये तो मजाक बात की बात है और ये अपनी कुर्सी, दो किचन एक साथ खुली है सर। पिता सर ये छोटू कितने का आया था? 900 रुपये का। कहाँ से? नोएडा। मैं दिला दूंगा आपको, आ जाओ मेरे घर आ जाओ, चाय पिलाऊंगा और दिला दूंगा। 930 रुपये का चूल्हा ये। अच्छा ये सस्ता, कई और मुझे ग्रुप में डाला था, वो इंडियन वाले बेच रहे हैं 1200 रुपये का। इंडियन वालों से खरीदा मैंने, ये इंडियन वालों के लिए बनता है, ये दिखा देगा स्पेशली इंडियन, ये इसलिए रखने के लिए इजी। हाँ तो भाई सब्जी तैयार हो गई है, देखो इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल सॉटे। लो जी हमारी सॉटे सब्जी बन गई है, टेस्ट सब कर रहे हैं, सबको अच्छी लगी। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं टुवर्ड्स जलोरी पास जो कि 4 किलोमीटर दूर है इसी लोकेशन से। यहाँ पे लोगों को डर लग रहा है, जो 3 ओवरलैंडर फैमिली हमारे साथ आई हैं उनको थोड़ा बहुत यहाँ पे डर लग रहा है कि कोई जानवर ना आ जाए रात को, जानवर मतलब लेपर्ड भालू। कोई बात नहीं भाई, सबकी जो सहमति होती है उस हिसाब से चलना चाहिए। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और अब निकल रहे हैं जलोरी पास की कुछ दुकानें, जो 8-9 दुकानें हैं उसके पास एक समतल ग्राउंड है, वहीं पे हम लोग अपनी गाड़ी पार्क करेंगे दुकान के सामने, इससे एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू का एहसास होगा। बट ये लोकेशन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अगली बार तो मेरे ओवरलैंडर फ्रेंड्स कुछ जो डेयरिंग टाइप के होंगे उनके साथ मैं यहाँ पर जरूर आऊँगा, बहुत मज़ेदार लोकेशन है। कोई बात नहीं यार, अगली बार आएंगे। बाकी हमने एक पिकनिक वाला माहौल तो बना ही लिया है यहाँ पे, खाना वाना खाया बनाया। चलो टाटा बाय बाय करते हैं इस लोकेशन को, मिलते हैं आपको जलोरी पास में। सर यही जलोरी पास है? यही है। अच्छा ओके। हैंडमेड टोपियाँ? हाँ जी, बड़े बड़े टोपियाँ। सही है जी, कितने की? 200। सही है जी। तो जलोरी पास की हाइट 10,265 फिट है और सामने जो रोड देख रहे हैं वो नीचे जा रही है कीर्तन वैली की तरफ और ये मंदिर है काली माता का मंदिर है और इसके साइड में हमने गाड़ी पार्क कर रखी है। यहाँ पे कुछ 10-8-9 दुकानें बनी हुई हैं और यहीं पे आज हम ओवरलैंडिंग कैंपिंग करेंगे। एक समतल ग्राउंड है कार पार्किंग के लिए, यहाँ लोगों को डर भी नहीं लगेगा। और अब वो मंदिर की साइड से वगैरह रोड देख रहे हैं ना, वो जा रही है सिरलोस्कर लेक की तरफ, ट्रैक जो है 5 किलोमीटर का और 360 डिग्री पॉइंट का जो ट्रैक है वो भी इधर ही है। और एक और ट्रैक यहाँ पे रघुपुर फोर्ट का जो कि इधर इस तरफ से जाता है। और बाकी सनसेट होने वाला है, अब नीचे चलते हैं, अब आपको नीचे से दिखाता हूँ व्यू। तो जी अब मैं नीचे आ गया हूँ और यहाँ पे कार पार्क कर ली है हमने, सनसेट होने वाला है, अब सुबह आपको ट्रैक पर ले जाए आपको। ये भाई क्या लेके घूम रहे हो आप? ओह
क्या चीज है भाई? गुच्छियां। ओके अच्छा, और ये मार्केट प्राइस अंदाजन क्या होगी इसकी? मार्केट प्राइस होगी 15,000 किलो। ओ भाई 15,000 रुपए किलो। ये मशरूम टाइप की है भाई, कुदरत की माया, कुदरत की माया है, आपको बड़ी नसीब वालों को मिलती है ये। और भाई हमें नसीब था गुच्छी का देखने का, तो ये देख लीजिए आप भी, जड़ी बूटी है यहाँ की पहाड़ों की। रंग